तुझसे है राहते, तुझसे है चाहते, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है राहते, तुझसे है चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा, baby I love you, baby I love you, baby I love you, oh I love you. परफॉर्मेंस, सुपर स्पेशल कांग्रेचुलेशंस होने चाहिए कि आज ऋषि ने इतिहास रच दिया ये परफॉर्मेंस से। ओह माय गॉड, क्या परफॉर्मेंस, स्मैश्ड इट। ओहो, अब्बास भाई और मुस्तान भाई भी आ गए। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। आज ये गाना सुन के हम लोग को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हम लोग एक पिक्चर के लिए इनको साइन करते हैं। क्या बात है, वाह! एक पिक्चर के लिए साइन, एब्सोल्युटली। सिंगर एज वेल एज एक्टर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब्बास भाई और मुस्तान भाई के साथ में जिसने भी शुरुआत की है, उनकी करियर कभी खत्म ही नहीं हुई, वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। ये बहुत नजर है इनकी। ऋषि, तुमने मौसम बदल दिया। थैंक यू सो मच ऋषि। और अब परफॉर्म करने आ रही हैं शेजूती दास। एक्चुअली आदि भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी ज़रूर कहिए। जब से मैं इन रियल में आई हूँ, तब से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतना बड़ा मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ अपने से। तो मेरा जो म्यूज़िक के लिए ड्यूटीज़ हैं, और मुझे लगता है वो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन मेरा और एक ड्यूटी बनता है, जो सबसे मेन ड्यूटी है मुझे लगता है ऐसा जी। कि मेरे पेरेंट्स के लिए जो मेरा ड्यूटी है, हाँ, तो वो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है। आज भी, इवन आज भी वो मतलब कोलकाता में हॉस्पिटल में है, और मम्मी उनको लेके गई है आंखों के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको ग्लूकोमा आया है, तो स्ट्रोक के बाद एक और चीज, तो मुझे उनके पास होना चाहिए लेकिन मैं नहीं हूँ, तो ये मुझे बहुत ज्यादा खटक रहा है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इतना ज्यादा। इवन मेरे घर पे अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसी साल मेरे बड़े बुआ का भी डेथ हुआ है, तो भी मैं नहीं जा पाई थी उनके पास, क्योंकि मुझे मुंबई में थी मैं, तो मतलब सबका भी तबीयत खराब चल रहा है घर पे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना भी हो सके कि यहाँ पे मैं रह के अच्छे से ध्यान दे के मैं कर रही हूँ कोशिश, और मैं अपने पेरेंट्स को मैं मिल नहीं पा रही हूँ, उनके लिए कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी। मम्मी अकेली प्रेशर लेके कर रही है, क्योंकि घर पे और कोई भी नहीं है, मेरे कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, तो नहीं कर पा रही है। तो मैं पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, ये बोलना ठीक भी होगा कि नहीं, बट
I really want to quit the show. क्या बोला आपने? I really want to quit the show. आप एक ऐसे स्टेज पे हो लाइफ में जहां पे अभी अभी इस शो के दौरान आपको जो पहचान मिलनी चाहिए वो मिल रही है, पूरी दुनिया से मिल रही है, और आपका ये कहना कि आप छोड़ के जाना चाह रही हैं, ये इस मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा. इट्स क्योंकि पेरेंट्स के साथ में होना ऐसे मौके पे जब उनको आपकी ज़रूरत है, इट्स आई थिंक हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं. ये जो दर्द है, मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता. सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. मगर अगर हिमेश जी अगर इजाज़त देंगे आप, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, एंड पूरे दिल से कह रहा हूँ, डोंट थिंक कि इस स्टेज पे हम आपको खोना चाहते हैं फ्रॉम दिस कॉम्पिटिशन. आप अपने पेरेंट्स को बॉम्बे ले आइए, उनकी जो देखभाल है वो हम करेंगे, यहाँ पे सब अरेंजमेंट सारे करेंगे. आपको ऐसा कभी नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं अकेली पड़ रही हूँ उस लड़ाई में. वी आर विथ यू, और मतलब आपको कोई भी जरूरत पड़े, थोड़ी सी भी डॉक्टर की जरूरत पड़े, आप मुझे फोन करो, आप हमें फोन करो, यहाँ पे वी विल ऑर्गेनाइज इट फॉर. बिल्कुल, जो चाहिए. लेकिन आप जैसा टैलेंट खोना नहीं चाहेंगे. यू अंडरस्टैंड मैडम से? यस सर. आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि जैसे उनको कन्वीनियंट हो वो तैयार हो जाएं, ठीक है, और जब वो तैयार हो जाएं आप मुझे फोन कीजिए, आपके टिकट्स पहुंच जाएंगे उनके पास. लेट देम कम टू बॉम्बे. और वो आपके पास रहेंगे, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी देखभाल होगी. और संजुति, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वी हैव, सो वी कैनॉट लूज यू. आप जाएंगी भी नहीं, और आपके मम्मी डैडी यहाँ पर आएंगे, और बहुत ही निश्चिंत होके आज आप परफॉर्म कीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you.
थैंक यू सो मच. क्या बात है संजुति, तुमने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिया है. सी व्हाट व्हाट अ वंडरफुल सिंगर यू आर. कि पूरा माहौल इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी तुमने अपने सारे दुखों को भूलकर जिस शिद्दत के साथ परफॉर्म किया वो दिखाता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है. और वो पोटेंशियल तुम अगर छोड़ के जाना चाहती थी तो म्यूजिक के साथ बहुत नाइंसाफी होती. बहुत बहुत जबरदस्त, कमाल है, कमाल है. ज्योति आप तो कहीं नहीं जा रही है ना, आप नहीं. आप हमारे साथ रहेंगी ना. हाँ, और कुछ कहना चाहती हैं? मैं आज से दुगनी तिगनी मेहनत करूंगी और फुल अगर हक से मैं ट्रॉफी जीतने की कोशिश करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात. ये इतना अच्छा लगा कि ये गाना इतने सालों पहले हुआ था, इन्होंने कंपोज किया था, आज की तारीख में गाना गाते तो आप ही से गवाते हो. क्या बात. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. अच्छा, इस गाने के एक छोटी सी हिमेश जी की कहानी है, छोटी सी बता देते हम लोग कि हमरस जो इस फिल्म का जो गाना है, हमरस फिल्म का, तो ये टाइटल जो है वो म्यूजिकल टाइटल नहीं है. तो हमारे सब गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और हमने हिमेश जी से कहा कि हमको टाइटल सॉन्ग चाहिए. तो बोला एक म्यूजिकल वर्ड नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट. हमने बोला हॉन्टिंग मेलोडी चाहिए. तो एक दिन रात को 12:30 बजे 12:30 रात को फ़ोन आया इनका कि एक मैंने कंपोज किया है गाना, आप ज़रा सुन लेंगे. हमने बोला अरे इमीजिएटली आइए. तो हमारे उधर आए गाने में, ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे, अब्बास भाई बाजू में बैठे, मैं पीछे बैठा और गा के सुनाया, यही गाना गा के सुनाया. और जो रिदम है वो स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा बजा रहे थे. तो वही हमने सुना, बोला सुपर फैंटास्टिक, दिस इज डन, कल ही रिकॉर्ड कर लो. हाँ, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अब्बास भाई, मुस्तान भाई. संजू जी, तुमने इतना अच्छा गाया है कि मैं तुम्हारे साथ दूसरा अंतरा जो इस गाने का है वो गाना चाहता हूँ. यस सर, थैंक यू सर. के छोड़ नहीं देना वादा, ये वफा का तोड़ नहीं देना. तुम हो तुम ही हो, संजुति, फॉर द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग, आपने मौसम बदल दिया. थैंक यू सर. और अब फिर से बनने जो आया किंग विनीत सिंह. एक दिन तेरी
बेताबू है। चाहत मेरी कितनी बेताबू है, वो जो बरसों मेरी पलकों में था तू वही काबू है। चुपके से तेरी नींदों में ख्वाबों में ख्यालों में For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.